जो दुष्टात्मा जिसके अंदर है उस वो भी उसके उसकी भी वही स्थिति है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसकी भी वही स्थिति है। तो क्या मान लें, ये जो पवित्र आत्मा बांट रहे हैं लोग, ये क्या बांट रहे हैं? ये पवित्र आत्मा नहीं बांट रहे हैं, बल्कि ये दुष्टात्मा बांट रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। पिछले संदेश में हमने सीखा था कि यीशु मसीह बताता है कि जब योना 14 अध्याय उसके 26 पद में कि यीशु मसीह बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो लोगों को क्या क्या बातें बताएगा, क्या क्या सिखाएगा, क्या क्या कार्य जो होंगे पवित्र आत्मा के होंगे। यदि इसके विषय में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो योहन्ना 16 अध्याय उसका 7-15 पद तक आप पढ़ लीजिए कि यीशु मसीह बताता है कि और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पवित्र आत्मा उनको बताएगा और उनको सिखाएगा। परंतु आज हम आपको बताएंगे पवित्र आत्मा का उतरना, यानी पवित्र आत्मा जो है लोगों पर उतरता है तो वो कैसे, उसकी स्थिति क्या होती है, लोगों की स्थिति क्या होती है, कैसा रिएक्ट करते हैं वो, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस बारे में बातचीत करें, मैं आपको दो वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। एक वो जिनके ऊपर जो है, जो लोग जो हैं, यानी पास्टर्स लोग कह लीजिए या जो भविष्यवक्ता हैं, जो लोगों को पवित्र आत्मा दे रहे हैं उन, और जिन लोगों को पवित्र आत्मा दिया जा रहा है उनकी स्थिति क्या है। और एक क्लिप वो दिखाऊंगा कि जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं उनके अंदर क्या, उनकी स्थिति कैसी है। ये दोनों क्लिप आप बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने ये दोनों क्लिप देखी, आपने देखा कि जिन लोगों को पवित्र आत्मा दिया जा रहा है या बांटा जा रहा है मनुष्यों के द्वारा उनकी स्थिति क्या है। वो भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और तड़प रहे हैं, गिर रहे हैं, अपने आप को मोड़ रहे हैं, मोड़ तरोड़ कर रहे हैं। और जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिर कर तड़प रहे हैं और उनका शरीर भी मरोड़े खा रहा है। तो दोनों क्लिपों के अंदर कोई अंतर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि इनके अंदर पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है, क्योंकि दोनों की सेम स्थिति है। समझ में नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, मगर स्थिति उनकी दुष्ट आत्मा ग्रस्त वाले लोगों की तरह हो रही है। पवित्र आत्मा जब आता है तो इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं होती हैं। इससे सीधे सीधे ये जाहिर हो रहा है कि इनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है परंतु दुष्टात्मा कार्य कर रहा है। अब मैं आपको कुछ, आपको देखिए बुरा लगेगा मगर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा और उसके जो लोग हैं उन्होंने स्पष्ट बात करी है, बिल्कुल साफ बात करी है, क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया जा रहा है और जो विरोध में पाप किया जा रहा है तो उसको जो है बताना जरूरी होता है। और इसलिए सब लोग सावधान हो जाएं कि आज पवित्र आत्मा के विरोध में कितना भयंकर पाप हो रहा है। मैं इसके उदाहरण आपको देना चाहूंगा, उदाहरण नंबर एक। जब योहन्ना बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी में तो बहुत से लोग उससे बपतिस्मा लेने गए, यीशु मसीह भी उसके पास बपतिस्मा लेने पहुंचा। और जब यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया तो मती 3 उसके 16 पद में लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं परंतु मेन चीज पढ़ रहा हूं,
परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। अब यहां पर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। अब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, अब पवित्र आत्मा उतरा तो यीशु मसीह भी चीखने लगता, चिल्लाने लगता, गुलाठियां मारने लगता पानी के अंदर। और अगर वो गुलाठियां मारने लगता, वो भी गिरकर और मरोड़ने तड़ोपने लगता अपने आप को, तो एक मनुष्य होने के नाते उसका उसकी तो मृत्यु वहीं पानी में डूब के हो जानी चाहिए थी। पानी में ही डूब के मर जाता, वो यरदन नदी में डूब के मर जाता। और जब वो यरदन नदी में डूब के ही मर जाता तो परमेश्वर की जो योजना थी हम मनुष्यों के लिए उद्धार की, वो तो फेल हो जाती। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा मिला और वो गुलाठियां मारने लगा, वो पानी में गिर के तड़पने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा, और उसका शरीर जो था मरोड़ खाने लगा और वो यरदन नदी में डूब के मर गया। परमेश्वर की योजना फेल हो गई। एक मनुष्य होने के नाते जो है वो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। दूसरी चीज यहां पर जो है, अक्सर लोग जब कबूतर की भी बात करते हैं, मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, क्योंकि जब ये बात आई है कि कबूतर के समान उतर, कबूतर की नाई यानी कबूतर की तरह, कबूतर नहीं उतर के आया, तो वहां पर बहुत से लोग जो है वो कबूतर को सोचते हैं कबूतर के समान। अब कबूतर के समान का मतलब क्या है? कबूतर शांत तरीके से जो है वह अपने शुद्ध भोजन पर उतरता है, और यीशु मसीह जीवन की रोटी है यानी हमारा शुद्ध भोजन है, और इसलिए वो उसके ऊपर बड़े शांत स्वभाव से उतरा जो है वो उतरता है। जब पवित्र आत्मा उतरता, क्यों उतरता है, कारण क्या है पवित्र आत्मा के उतरने का, जो मुख्य कारण है, जब आप लय व्यवस्था 1:14 वहां होम बलि के बारे में है, जब लय व्यवस्था 5:7 वहां दोष बलि के बारे में है, जब लय व्यवस्था 5:11 पढ़ेंगे वहां पाप बलि के बारे में है, अर्थात पाप और सब दोषों से जो है वो हमें मुक्त करता है और हमारी देह को अपने रहने योग्य और परमेश्वर के रहने योग्य बनाता है। इसलिए पौलुस कहता है, जब आप 1 कुरिन्थियों 3:16-17, 1 कुरिन्थियों 6:19 पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो या तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो वहां पर इस तरीके से ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। जब आप श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे तो श्रेष्ठ गीत में जो दुल्हन की कंपेयरिंग की गई है वो कबूतर या कबूतरी से की गई है। क्यों? क्योंकि क्यों की गई है, इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। Matthew 10:16 में लिखा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। यानी परमेश्वर यहां बताना चाहता है कि जो उसकी दुल्हन है वो कबूतर के समान भोली है, भोली भाली है, यानी उसकी जो दुल्हन है वो बहुत भोली है, प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा बहुत से कबूतरबाज जो हैं वो हैं, खासतौर से हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में जो होते हैं, कबूतरों का बहुत शौक रखते हैं और वो कबूतरों को उड़ाते हैं और बहुत कुछ वो कबूतरों से करते हैं, उनके दरवे जो होते हैं वो बनाते हैं कबूतरों के, और वो जब कबूतरों को आसमान में उड़ाते हैं बहुत दूर तक, मीलों तक चले जाते हैं, परंतु वो लौट कर अपने दरवों में आते हैं। और ये बात जो है किसने इस चीज को जांचा परखा? परमेश्वर ने यशायाह को ये बात बताई है कि यहां पर क्या बताई है, Yeshayah 60:8, ये कौन है जो बादल की नाई और दरबाओं की ओर उड़ते हुए कबूतरों की नाई चले आते हैं। कबूतर की नाई कितनी भी दूर चले जाएं, कितने भी मील में चले जाएं, कितनी ऊंचाइयों में चले जाएं, मगर वो अपने दरवे में लौट कर आते हैं, क्योंकि वो अपने दरवे को पहचानते हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं वो कबूतर के समान है, वो कितने भी भोले क्यों ना हो, परंतु वो कहीं पर भी चले जाएं दुनिया में वो भटक नहीं सकते हैं। परंतु क्यों नहीं भटक सकते? क्योंकि वो अपने स्वामी को और अपने स्वामी की हर बात को पहचानते हैं, वो उसके पास लौट कर जो है वो आते हैं। जो कंपेयरिंग जो की गई है उसका बताना चाहता हूं यहां पर जो है, ये जो है पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है, आप प्रेरितों के काम 2:42 तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पेंतिकॉस्ट के दिन जो है 120 लोगों पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, यानी पवित्र आत्मा जो है 120 लोगों पर उतरता है। अब अगर 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है, वो चीखने लगते, चिल्लाने लगते और सड़क पर निकल के गुलाठी मारने लगते, अपने आप को मरोड़ने लगते तड़पने, तो जो वहां पर जो उपस्थित लोग हैं,
जो लगभग 16 भाषाओं के लोग वहां पर खड़े हैं, वो अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर का वचन सुनकर आश्चर्यचकित नहीं होते, वो डर के मारे भाग जाते हैं। मगर वहां पर क्या है, वहां पर बड़ा जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो पतरस बड़े आराम के साथ खड़ा होता है और बड़े शांत स्वभाव से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो है वो परमेश्वर का संदेश जो है, परमेश्वर का उपदेश जो है वो उन लोगों को सुनाने लगता है। और वो लोग आश्चर्य क्या कर रहे हैं, वो आश्चर्य इस बात पे कर रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। अब देखिए वहां तो कोई इस तरीके की क्रिया जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, वहां पतरस बड़े शांत भाव से खड़े होकर परमेश्वर का उपदेश सुना रहा है और वो उपदेश हर भाषा के लोग जो है वो अपने कानों से सुन रहे हैं। तीसरा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि पुराने नियम में जब परमेश्वर का आत्मा बहुबल के साथ उतरता था या परमेश्वर का आत्मा उनमें समाता था या परमेश्वर का आत्मा उनमें उतरता था या परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरता था, तो जिस मकसद के लिए उतरा है, अगर भविष्यवाणी करवानी है तो वो भविष्यवाणी करते थे, बड़े शांत भाव से अच्छे तरीके से भविष्यवाणी करते थे। अगर कोई उपदेश या संदेश लोगों के लिए होता था तो वो उपदेश और संदेश लोगों पर पहुंचाते थे, और यदि परमेश्वर का कोई भी मकसद था तो उस मकसद को वो पूरा करके परमेश्वर का आत्मा जो था उनसे वो सारे काम करवाता था। वहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वो गुलाठी मारने लगे, चीखने लगे, शरीर मोड़ने लगे, गिर पड़े और मार फड़फड़ाने लगे, ऐसे जैसे कोई पक्षी नहीं अगर गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगता, फड़फड़ाने लगता, उसके समान फड़फड़ाने लगे, ऐसा पूरी बाइबल में कहीं नहीं। जैसी ये नौटंकी आजकल हो रही है, ये ऐसा लगता है कि जो दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है उसकी भी वही स्थिति है और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसकी भी वही स्थिति है। तो क्या मान लें, ये जो पवित्र आत्मा बांट रहे हैं लोग, ये क्या बांट रहे हैं, ये पवित्र आत्मा नहीं बांट रहे हैं बल्कि ये दुष्ट आत्मा बांट रहे हैं, लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसी क्रिया सिर्फ दुष्ट आत्मा के बारे में है। इसके और भी उदाहरण दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, इसके उदाहरण बाइबल से ही मैं दूंगा कि वर्तमान समय में ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये दुष्ट आत्मा के द्वारा क्रिया हो रही है। कैसे हो रही है, लूका 9 अध्याय उसका 42 पद है, यहां लिखा है, वे आई रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। अब मरकुस 1 और उसका 25 और 26 भी सुन लीजिए, यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। देखिए दोनों उसमें क्या लिखा कि दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को क्या करा, पटक दिया जमीन पे और उसे मरोड़ दिया उसके शरीर को और वो चीखने और चिल्लाने लगे, और यही जो है पवित्र आत्मा पाए लोगों के साथ यही क्रिया हो रही है। तो क्या फर्क है, हम कैसे समझें कि ये पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा मिला हुआ है, क्योंकि देखिए जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है फिर उसको दोबारा पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं होती है, यदि वो पाप नहीं करता है तो है, फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर के मकसद को उसके जीवन से पूरा कराता है। मगर यहां तो इस हफ्ते चले गए, अगले हफ्ते फिर आए, फिर वही क्रिया उनके साथ हो रही है, उसके बाद फिर वो चले गए, फिर उसके बाद आए, फिर वही क्रिया उनके साथ हो रही है, यानी हर हफ्ते उनके साथ वही क्रिया हो रही है, वही स्थिति हो रही है। पवित्र आत्मा का कोई मकसद पूरा ही नहीं कर रहा दुनिया में जाकर, कि जब पवित्र आत्मा मिल चुका है कि भैया ले परमेश्वर की मोहर यानी परमेश्वर की आत्मा की छाप तो उस पर लग चुकी है, अब जाकर परमेश्वर के काम कर, मगर वो लौट के हर हफ्ते आता है और वही क्रिया करता है और चला जाता है कि साहब पवित्र आत्मा मिल गया हमें। इस चीज को कैसे मान लें, यानी पवित्र आत्मा का कार्य और दुष्ट आत्मा का जो कार्य है वो एक सा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाइयों बहनों सीधा सा है, सीधी सी बात है कि पवित्र आत्मा पाए वाले व्यक्ति को ऐसा कुछ भी नहीं उसके जीवन में होता है कि वो मरोड़ने लगे, उसको पटक दिया जाए, वो चीखने लगे, वो चिल्लाने लगे, वो फड़फड़ाने लगे, वो तड़पने लगे, ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गई, वो उसको पटक दिया दुष्ट आत्मा ने, उसको मरोड़ दिया दुष्ट आत्मा ने, वो चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा और वो अपने आपे में नहीं रहा, ऐसी स्थिति जो है वो दोनों की। आज जो वर्तमान समय में हो रहा है ये पवित्र आत्मा के विरोध में भयंकर पाप हो रहा है,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आपके अंदर पवित्र आत्मा, पहली बात तो वो पवित्र आत्मा देने वाले कोई नहीं होते हैं, वो पवित्र आत्मा बांटने वाले कौन होते हैं? और अगर वो पवित्र आत्मा बांटने वाले होते तो उनको खुद इस बात को समझ में आता कि ये हो क्या रहा है, ये पवित्र आत्मा नहीं दे रहे। हर किसी को भी देखा जाए, हर अरे गहरे नत्थु गहरे को पवित्र आत्मा थोड़ी दिया जाता है कि छोटे से लेके बड़े तक लोग भर जाओ पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा पाने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? जब आप प्रेरितों के काम एक अध्याय पढ़ेंगे, उसने अपने चेलों से क्या कहा? जब तक तुम्हें सामर्थ्य ना मिले तब तक तुम यरूशलम से बाहर मत जाना, यरूशलम में ही रहना। यानी अपनी पूरी तैयारी के साथ उन्होंने 10 दिन तक तैयारी करी है पवित्र आत्मा को पाने की, पवित्र आत्मा को रिसीव करने की, पवित्र आत्मा से भर जाने की पूरी तैयारी में वो लगे रहे, और अपने जीवन को इधर उधर की बातों से और दूसरी बातों से बचाकर उस पवित्र आत्मा को पाने की लालसा के लिए वो एक जगह इकट्ठा रहे और प्रार्थना में लौलीन रहे। परंतु यहां क्या होता है, लो भाई पवित्र आत्मा पाए, घर चले गए, फिर आए अगले हफ्ते, फिर आए ले, फिर घर चले गए, और वही जीवन पता नहीं कैसा व्यतीत होता है। और फिर वो रोने लगे, तड़पने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, गोलांठियां मारने लगे। वो ये सब क्या है? ये सब जो है दुष्ट आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मगर जो सही है वो सही है, यही फैक्ट है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं को भेजकर आपके घरों को बर्बाद और तहस नहस कर देते हैं। उनके घरों को जाके देख लीजिए, जिन्होंने इस तरीके की पवित्र आत्मा पाई है उनका जीवन कैसा है और उनका घर कैसा है। प्रभु आप सबको आशीष दें।